हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिम्बायसिस एकेडमी। आज इस सेशन में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। जो लाइंस पी क्यू और आर एस है वो टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये इस फिगर में शो किया हुआ है। सच दैट पी आर टी इज 40 डिग्री, यहाँ पे मेंशन है। आर पी टी इज 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इज 75 डिग्रीज। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल एस क्यू टी, जो कि ये वाला एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन में है एंगल पी आर टी विच इज 40 डिग्री एंड एंगल आर पी टी विच इज 95 डिग्री। आर पी टी 95 डिग्री गिवन है एंड एंगल टी एस क्यू इज 75 डिग्री, ये हमें गिवन है। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमें एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे पी आर टी। सो इन ट्राइंगल पी आर टी जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल है, पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस पी टी आर। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री। रीजन मेंशन करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, वैल्यूज पुट करेंगे, पी आर टी 40 डिग्री गिवन है, आर पी टी 95 डिग्री गिवन है, एंगल पी टी आर हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी आर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 95 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। नाउ एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। क्यों है पी टी आर जो एंगल है वो एस टी क्यू के इक्वल क्यों है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल एस टी क्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि पी टी आर की वैल्यू हमने यहां पे 45 डिग्री निकाली हुई है। अगेन हम ये दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एस टी क्यू, ये वाला ट्राइंगल एस टी क्यू, यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे हम रीजन मेंशन करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, अब वैल्यूज पुट करेंगे, एस टी क्यू की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री प्लस एंगल टी क्यू एस हमने निकालना है प्लस एंगल टी एस क्यू इज 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल टी क्यू एस या एस टी एस क्यू टी कोई भी लिख सकते हैं एंगल, हम एक ही मतलब है, एस क्यू टी या टी क्यू एस इज द सेम एंगल, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी क्या हो गया,
60 डिग्री के इक्वल, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन द फिगर बिलो, नीचे जो फिगर दी हुई है, पी क्यू जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड एंगल एस क्यू आर इज 28 डिग्रीज, एंगल क्यू आर टी इज 65 डिग्री, जो कि ये फिगर में मेंशन है। हमें एक्स यानी कि पी क्यू एस एंड वाई वैल्यू यानी कि पी एस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। सॉरी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये गिवन है, एंड एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, क्यू आर टी एंगल जो है क्यू आर टी 65 डिग्री गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक्स एंड वाई, ये वाले दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं जो फिगर में मेंशन्ड है। अब हम इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर टी के, बिकॉज ये द जेड फॉर्म कर रहा है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम यहां पे रीजन मेंशन करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यहां पे क्यू आर ट्रांसवर्सल हो गया, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल पी क्यू आर जो है वो क्यू आर टी के इक्वल है। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर क्या हो गया, एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री, वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू आर टी हमें गिवन है दैट इज 65 डिग्रीज, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 डिग्रीज माइनस 28 डिग्रीज विच इज 37 डिग्री, हमारा एक आंसर यहां पे आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया विच इज 37 डिग्री। अब हम पी एस क्यू ट्राइंगल लेंगे, इन पी एस क्यू ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन मेंशन करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, अब वैल्यूज पुट करेंगे, एस पी क्यू क्या है 90 डिग्री, बिकॉज ये परपेंडिकुलर मेंशन है, पी क्यू जो है वो पी एस के परपेंडिकुलर है, तो एस पी क्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंड एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू क्या हो जाएगा एंगल वाई, एंड पी क्यू एस विच इज एक्स, और एक्स हमने फाइंड आउट किया था 37 डिग्रीज, तो एंगल वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 53 डिग्रीज, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 53 डिग्री, इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड आउट करना था, इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल दी। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन द गिवन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, जो पी क्यू आर ट्राइंगल है उसकी साइड क्यू आर को हमने एस तक प्रोड्यूस किया है। इफ द बायसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड पी आर एस, जो इसके बायसेक्टर्स हैं दोनों एंगल्स के, इस एंगल के और इस एंगल के, ये
टी पॉइंट पे मीट करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, ये वाला जो एंगल है दिस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये वाला जो एंगल है इस एंगल का हाफ है, ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। अब क्यू टी जो है एंगल पी क्यू आर को बायसेक्ट करता है, क्यू टी बायसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू टी जो है वो पी क्यू टी एंगल आर क्यू टी के इक्वल है, और आर टी जो है वो एंगल पी आर एस को बायसेक्ट करता है, आर टी बायसेक्ट्स एंगल पी आर एस, देयरफॉर एंगल पी आर टी एस आर टी के इक्वल है, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल एस आर टी, ये दोनों चीजें गिवन है यहां पे। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वाले सेक्शन में लिखेंगे हम ये, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इस ट्राइंगल में पी आर एस जो कि एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो कि क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर है, जिसे हम लिखेंगे पी आर एस जो कि एक्सटीरियर है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल विच इज क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब एंगल पी आर एस जो है इसको हम ट्वाइस ऑफ टी आर एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इसको टू हाफ में डिवाइड करता है, तो पी आर एस की जगह हम इस इक्वेशन में ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर टी इसको डिवाइड करता है। क्यू पी आर एज इट इज लिख देंगे, एंड पी क्यू आर को भी हम ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू टी इसको डिवाइड करता है, तो ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर। ब्रैकेट में रीजन मेंशन करेंगे, एज क्यू टी एंड आर टी, क्यू टी एंड आर टी बायसेक्ट्स एंगल क्यू टी पी क्यू आर को बायसेक्ट करता है, एंड आर टी जो है वो एंगल पी आर एस को बायसेक्ट करता है रिस्पेक्टिवली। अब ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस को क्या लिख सकते हैं, अब टी आर एस जो है वो क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल है, तो अगेन हम टी आर एस को आर टी क्यू प्लस टी क्यू आर लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो टी आर एस को क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, यहां पे भी रीजन मेंशन करेंगे हम ब्रैकेट में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्यू पी आर को एज इट इज क्यू पी आर लिख देंगे प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर। यहां पे हमने एक रीजन मेंशन करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमने डिटेल में ऊपर लिखी थी। अब टू से ये दोनों एंगल्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू टी आर
plus twice of angle TQR is equal to angle QPR plus twice of angle TQR. Twice of angle TQR से twice of angle TQR cancel हो जाएगा. And rest जो equation बच गई वो हम नीचे write down कर देंगे. तो 2 से वहां पे हम divide कर देंगे. ये हमारा result आ गया जो कि हमने prove करना था. Hence proved. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनसीईआरटी का 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है. थैंक यू. अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.